अब जल्दी से मुझे बता कि ये वाक्य में डू डज डिड ऑक्सिलरी का काम करता है या मेन वर्ब का? हाँ, ऑक्सिलरी का काम करता है या मेन का? सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना, गलत बात है वो सब ना। प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह हम लोग आराम से करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट सेशंस को लाइक भी कर देना है। मेरे को इंग्लिश कुछ नहीं आती है, रेलवे एस्पिरेंट हूँ, सीजीएल क्रैक करने के लिए सिर्फ इंग्लिश का इशू है। आप आराम से कोर्स करो, आप क्रैक कर लोगे। आप आराम से कोर्स करो। बोथ बोथ डू डज डिड भी ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, मेन का भी काम कर सकता है। लिखा मैंने दे डू द वर्क ऑन टाइम। ओके, दे डू द वर्क ऑन टाइम। ही डज नॉट कम ऑन टाइम। फिर लिखा ही डज नॉट कम्स ऑन टाइम, ही डज द असाइनमेंट प्रॉपरली। ही डिड द वर्क या He did not come. He did not come. हाँ चलो बताओ, ऊपर वाला do क्या है? ऊपर वाला do, फिर यहाँ वाला does, क्योंकि auxiliary भी होता है main भी होता है। बताओ अब ये जो work देख लोगे ना, ये जो work है ये वाक्य में verb का भी काम करता है और ये वाक्य में noun का भी काम करता है। अगर मैं ऐसा लिखती they work लिखती तो यहाँ पे work verb होता, ठीक है? दे सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब है। अब मैं लिखती दे डू द वर्क, तो यहाँ तो वर्क के साथ द लग गया है, द आर्टिकल है और आर्टिकल नाउन का नाउन के साथ लगता है, ठीक है? तो जो वर्क के पहले द लगा है ना, तो वहाँ का वर्क नाउन है और यहाँ तो वर्ब है, तो वर्क कैन एक्ट एज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब ऑल्सो। तो यहाँ पे जो द वर्क है यहाँ नाउन का काम कर रहा है, और यहाँ पे डू एक ही वर्ब है, इसका मतलब है मेन वर्ब है। और ही डज नॉट कम, यहाँ पे दो वर्ब है, यहाँ पे दो वर्ब है, तो यहाँ पे डज ऑक्सिलरी हो गया। और यहाँ ही डज द असाइनमेंट, असाइनमेंट तो नाउन हो गया, एक ही वर्ब है, यहाँ का डज मेन वर्ब हो गया। और ही डिड द वर्क में भी यहाँ का डिड मेन वर्ब है, क्योंकि वर्क नाउन है और यहाँ कम मेन वर्ब है और डिड ऑक्सिलरी है। बस मुझे यहाँ पे बताना था ना कि डू डज डिड ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। हाँ, और अब देखेंगे कि ये अपने साथ कौन सा फॉर्म लेता है अगर ऑक्सिलरी का काम करेगा। लिख लिया है सबने? सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है। ओके, हाँ, ऑक्सिलरी का भी काम कर रहा है, मेन वर्ब का भी कर। ओके, अब मुझे बताओ कि डू डज डिड कौन सा फॉर्म लेता है? डू डज डिड वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है? ये हमेशा अपने साथ V1 लेता है, V1। ओके, डू डज डिड हमेशा अपने साथ V1 ही लेता है। मैंने लिखा ही डिड नॉट, He did not wrote the essay. अब कुछ बच्चों को लगेगा अरे ये सेंटेंस तो पास्ट टेंस जा रहा है, ये सेंटेंस तो पास्ट टेंस जा रहा है, डिड है तो पास्ट टेंस जा रहा है, तो रोट भी तो पास्ट टेंस होता है ना। बट डिड अपने आप में पास्ट टेंस बता रहा है, तो फिर से पास्ट टेंस V2 क्यों डालोगे? रोट V2 है ना, राइट लगाओगे, राइट V1 है, डू डज डिड के साथ V1। या ऐसा मैं लिख दिया मैंने ही डजेंट कम्स ऑन टाइम, या मैंने लिख दिया ये मैंने लिख दिया ही कम्स ऑन टाइम। और अब तो मुझे आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो कम्स सही है बट यहाँ पे कम्स रॉन्ग है। लेकिन आपने रॉन्ग क्यों किया? आपने तो बताया है कि सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगाते हैं। ओके, सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ का सब्जेक्ट भी तो ही है और यहाँ का सब्जेक्ट भी तो ही है, तो ही के साथ आपने यहाँ पे सिंगुलर लगाया, प्रेजेंट टेंस, वर्ब में एस लग गया तो सिंगुलर है, सिंगुलर लगाया, तो यहाँ का भी तो सब्जेक्ट ही था ना, तो यहाँ पे भी तो आपको सिंगुलर लगाना चाहिए। बट डू डज डिड के साथ सिंगुलर, मतलब कम्स क्या है, कम्स V5 है, बट डू डज डिड बीच में डू डज डिड आ गया है ना, तो इसके साथ हम V5 ना लगा के V1 लगा, कम। आज मैंने आपका, एक चीज़ मैंने आपको और बताना था डू डज डिड से रिलेटेड ना एक एरर और भी एग्जाम में आता है जो आपको पता होना चाहिए। ओके,
जैसे एक तो आपको पता है डू डस डिड, डू डस डिड वाक्य में हमेशा अपने साथ वी वन लेता है, ठीक है, वी वन लेता है, वी वन लेता है। अगर एक सेंटेंस ऐसा आया, एक आपका एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव वाला सेंटेंस एक मैं बता रही हूँ कैसा कैसा ऑप्शन आएगा और कहाँ ये वाला रूल काम आएगा। जैसे एक एक्टिव एक्टिव पैसिव नरेशन में एक सेंटेंस आया था, ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव, ठीक है, ही ने हर से पूछा कि आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था नरेशन में जहाँ पे ये वाला रूल काम आएगा जो मैं बता रही हूँ। और ऑप्शन में दिया था ना ही सेड टू हर, ये मत सोचना कि मैम आप नरेशन पढ़ा रहे हो, मैं बिल्कुल भी नरेशन नहीं पढ़ा रही हूँ। नरेशन में ये जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इसका कैसे यूज हुआ है, सेड बदल जाता है आस्ट में क्योंकि ही ने उससे पूछा, ही आस्ट हर वेयर, वेयर एक सेंटेंस में था, वेयर शी डिड लिव, डू बदल जाता है डिड में क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, वेयर शी डिड लिव, एक ऑप्शन ये आया था। और एक ऑप्शन आया था ही आस्ट हर, ही आस्ट हर, हाँ वेयर वॉट लगा दिया ना, ही आस्ट हर वेयर, वेयर शी लिव्ड, ये क्वेश्चन ना दोनों ऑप्शन आया था, दोनों ऑप्शन आया था। और ये हमारा यस, ही आस्ट हर वेयर आई लिव, आई कहाँ से लगा दोगे सुदीप, ही ने हर से पूछा, यू सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हाँ दोनों आया है, वेयर आई लिव, दोनों आया, दोनों आया। अब आप मुझे बोलोगे मैम शी डिड लिव भी तो पास्ट ही है, शी डिड लिव भी तो पास्ट ही है और शी लिव्ड भी तो पास्ट है, पास्ट है और हमें पास्ट ही बनाना है, दोनों तो सिंपल पास्ट है, दोनों सिंपल पास्ट है, बट फिर भी सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है और फर्स्ट वाला रॉन्ग है। क्यों यही वाला रूल अपनाया जाएगा, क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो सही है, डिड के साथ तो वी वन आता ही है और आपने बोला कि डिड के साथ वी वन आता है तो यहाँ भी आया है यार, दोनों तो सिंपल पास्ट है, बट पहला वाला रॉन्ग क्यों है? ये वाला रॉन्ग इसलिए है कि हम डू डज डिड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, डू डज डिड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, हम डू डज डिड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस तो पॉजिटिव जा रहा था तो मैं यहाँ पे डू डज डिड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज करूंगी, इसीलिए मैंने इसको चुना है, हाँ इसको चुना, डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब पॉजिटिव। अभी मैं लिख के बताती हूँ क्यों ये ऐसा हुआ, पहले आप लिखो उसके बाद मैं आप अलग से लिख रही हूँ। डू डज डिड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब हम पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं यूज करते, हम नेगेटिव में यूज करते हैं, ओके, या तो इंटरोगेटिव में यूज करते हैं। एक मिनट, ये देखो हो गया, जैसे मैंने लिखा, अगर आपको किसी को बोलना है ना, ये जो रूल मैं लिख रही हूँ ना, आप लिखो डू डज डिड को और ये चीज मैंने कुछ खास स्पेसिफिक कर रही हूँ, ये रूल लागू तभी होगा ना जब वाक्य में डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी काम करेगा, क्योंकि डू डज डिड मेन वर्ब का भी काम करता है, मैं बात कर रही हूँ जब ये वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब का काम करे, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये रूल लागू तब होगा जब सेंटेंस में डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इज नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं होगा। डू डज डिड याद रखना, ये रूल लागू तब होगा जब वाक्य में डू डज डिड ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा। डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड का ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में तभी यूज होगा ना जब वाक्य या तो नेगेटिव हो या प्रश्नवाचक हो या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान है क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। अभी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, पहले इसको लिख लो। इट इज ऑलवेज यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस, ये वाला बहुत परेशान करता है मैम, नहीं करेगा, आप ध्यान से समझ लो क्या लिखा है। डू डज डिड को ऑक्सिलरी वर्ब में पॉजिटिव में यूज नहीं करना है, डू डज डिड को ऑक्सिलरी वर्ब में नेगेटिव में यूज करना है, ओके, ठीक है। मैंने आपसे एक सेंटेंस पूछा, डिड यू कंप्लीट द वर्क यस्टरडे। अब मुझे बताओ, ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है, अगर मैं और यहाँ पे डिड, ये रूल लागू तब होगा ना जब डू डज डिड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे डू डज डिड, यहाँ पे डिड ऑक्सिलरी है, बताओ जल्दी से, ये ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी है। मैं आपसे पूछती हूँ और मैं आपके रिप्लाई का वेट भी नहीं करती हूँ,
क्योंकि मुझे पता है रिप्लाई दोगे तब तक बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं पूछती तो हूँ बट फिर मैं आंसर आपको बता ही देती हूँ। नहीं है, यहाँ पर डू डस डिड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है क्योंकि कंप्लीट मेन वर्ब, तो यहाँ डिड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछती यू कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे, यू कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे, क्या आपने कल काम कंप्लीट किया। अच्छा मुझे एक बात बताना है आपको कि जनरली वाक्य में पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, वाक्य में पहले सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। ठीक है, फिर वर्ब आता है, जैसे लिखा मैंने ही इज गोइंग टू स्कूल तो पहले वाक्य में सब्जेक्ट आया और फिर मेरा वर्ब आया। तो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसे ही होता है, पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब। लेकिन कभी कभी ना वाक्य में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, प्रश्नवाचक सेंटेंस में हमेशा वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस है। अब मुझे इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ तो वो स्कूल जा रहा है, फिर लिखूंगी क्या वो स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल। तो आपने क्या देखा, फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, बट प्रश्नवाचक सेंटेंस में ना सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है, जो कि मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया भी है शुरू में, जो फिर से मैं आपको इस बैच में भी पढ़ाऊंगी। जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया ना, उल्टा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना इज इन्वर्जन। और जनरली इन्वर्जन और हर इंटरोगेटिव सेंटेंस में ना, जैसे मैं लिख के यहाँ पे लिखा होता मैंने when he will come, और दूसरा लिखा है when will he come। अब आपको दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है, दोनों सेंटेंस में क्या दिख रहा है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, और ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है और प्रश्नवाचक सेंटेंस में तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए ना। सो दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग। ओके, दिस वन इज रॉन्ग। ओके, हर प्रश्नवाचक सेंटेंस में चाहिए। हाँ, मैंने ये इसलिए बताया, आपको लगा हो कि मैम अचानक से ये क्यों बताने लगी, क्योंकि मेरे को ये चीज आपको समझाना था। कहाँ चला गया, हाँ ये चीज मेरे को समझाना था। अब मुझे बताओ कि दोनों में से ये सेंटेंस करेक्ट है ना, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, कि ये यू सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब चाहिए ना, बट यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे, तो ये गलत है, ये सही है। तो मुझे ये बताना है कि डू डज डिड को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम कहाँ यूज करते हैं, एक तो हम यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में और दूसरा यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि आपने काम कंप्लीट किया, अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो आप ऐसा बोलोगे नो आई नॉट कंप्लीटेड द वर्क, ऐसा बोलोगे आई नॉट कंप्लीटेड द वर्क। ये गलत है ना, आई नॉट कंप्लीटेड द वर्क, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं और एक नेगेटिव में भी करते हैं। ये सेंटेंस गलत हो गया, नो आई नॉट कंप्लीटेड द वर्क नहीं होगा, नो आई डिड नॉट कंप्लीट। तो नेगेटिव सेंटेंस में ना हमें डिड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब लाना होगा और डिड के साथ v1 आता है। फिर से कंप्लीटेड नहीं डालना। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि डू डज डिड को हम या तो प्रश्नवाचक में करते हैं या तो नेगेटिव में करते हैं। अब हम सीखेंगे कि इसको पॉजिटिव में क्यों नहीं करते हैं, क्या रॉन्ग है। हाँ, आई डिडंट कंप्लीट द वर्क, यस। और कुछ फिर जब मैं पढ़ा लूंगी ना तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने तो बोला है कि नेगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड का यूज होगा, बट आई डिड द वर्क। और आप बोलोगे तो आपने तो बोला है कि डू डज डिड का यूज या तो नेगेटिव सेंटेंस में करो या तो इंटरोगेटिव में, बट ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना तो इंटरोगेटिव है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे डिड यूज किया, क्योंकि यहाँ का डिड मेन वर्ब है। मैं जो रूल की बात कर रही हूँ ना कि डिड डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होगा, ऐसा तब होगा जब वाक्य में डू डज डिड ऑक्सिलरी का काम करेगा, बट यहाँ का वर्ब तो नाउन है, एक ही वर्ब है, मेन वर्ब है। अगर डू डज मेन वर्ब का काम कर रहा है तो हम पॉजिटिव में यूज कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा। हाँ, अब सपोज कल मैंने आपसे पूछा कि आपने काम कंप्लीट कर लिया है, तो अभी तक तो आपने ना बोला, लेकिन अगर आपको बोलना है यस आई डिड कंप्लीट द वर्क, क्या आपने कल काम खत्म किया, तो आप बोलोगे कि यस मैंने तो कल अपना काम कर लिया था। तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, और पॉजिटिव सेंटेंस में हम डू डज डिड का यूज नहीं करते, हम सीधा लिखेंगे कंप्लीटेड।
यस आई कंप्लीटेड द वर्क. यस आई कंप्लीटेड द वर्क. ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में डूजर डज डिड यूज मत करना. मैंने यहां से डिड हटा दिया, लेकिन सेंटेंस तो यस्टरडे की बात हो रही है, तो मैंने कंप्लीटेड कर दिया, कंप्लीटेड कर दिया. लेकिन कभी कभी स्पोकन इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में क्या करते हैं ना कि हम सेंटेंस पे ज्यादा एम्फसिस डालने के लिए, कभी कभी ज्यादा दबाव डालने के लिए डू डज डिड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब एज एन ऑक्सिलरी वर्ब पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने लिखा आई हेल्प माई स्टूडेंट्स एंड मैंने लिखा आई डू हेल्प माई स्टूडेंट्स. देखो अब बोलोगे मैम ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, और आपने बोला है कि पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज डिड यूज नहीं होगा, बट फिर भी यहाँ आपने यूज किया है. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला मैं अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करती हूँ, और मुझे बोलना मैं बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स की काम हेल्प करती हूँ, ओके ऐसा नहीं है मैं अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करती हूँ, तो कभी कभी ज्यादा इम्फोसिस डालने के लिए ना हम स्पोकन इंग्लिश में डू डज डिड का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर लेते हैं एम्फोसिस के लिए. हाँ यस आई डिड हेल्प हिम. जैसे जैसे आपको कोई बोले ना कि अरे तुम तो उसकी हेल्प करती ही नहीं हो, तो आपको गुस्सा आ जाएगा. आप अक्सर उसकी हेल्प करते हो और आपको किसी ने बोल दिया कि नहीं, तो आप बोले आई डिड हेल्प हिम, भाई भाई मैंने उसकी मदद बिल्कुल की है. तो कभी कभी एम्फोसिस डालने के लिए कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में स्पीकिंग में स्पोकन में यूज कर देते हैं. लेकिन एग्जाम में आपको क्या फॉलो करना है, देखना एक सेंटेंस आया ऐसा आया, वॉट डज, ये एग्जाम का सेंटेंस है, वॉट डज वरी मी द मोस्ट इज हिज रूड बिहेवियर. जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा वरी करता है, ठीक है, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा वरी करता है वो है उसका रूड बिहेवियर. हाँ बट वी कांट एम्फोसाइज इन एग्जाम. यहाँ ना वॉट का दो मतलब होता है. ये मत सोचना कि अरे मैम ये तो सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नहीं है. यहाँ वॉट, एक वॉट का मतलब होता है क्या, और एक वॉट का मतलब होता है जो. जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है ना वो उसका रूट बिहेवियर है. तो यहाँ वॉट से कोई प्रश्न वगैरह नहीं पूछा जा रहा है कि इन्वर्जन कर दोगे सब्जेक्ट के पहले वो. तो अब बताओ कि एरर कहाँ पे है. बोल सकते हो आई डिड हेल्प हिम, मैंने उसको हर समय हेल्प किया बट वो मुझे इग्नोर करती है. हाँ तो चलो बताओ वॉट डज, तो ये सेंटेंस में नहीं आना चाहिए ना. डू डज ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये एग्जाम का आया हुआ सेंटेंस है, और चार ऑप्शन में था. एक में था वरीज ऐसा था, और भी था. तो यहाँ पे हम ये नहीं लगा सकते हैं. क्वेश्चन गलत है. डू डज डिड पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज डिड का यूज नहीं करते हैं, तो ये हट गया. और वॉट के साथ वरी नहीं होगा ना, सिंगुलर चाहिए. वॉट वरीज मी द मोस्ट, ओके वॉट डज वरी मी मोस्ट नहीं होगा, वॉट वरीज मी द मोस्ट.